विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कैंसर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में कैंसर को लेकर जन जागृति फैलाने का कार्य किया गया। वहीं यह भी बताया गया कि कैंसर का यदि समय रहते पता लग जाए तो उसका इलाज संभव है। मौके पर मौजूद डॉक्टरों की टीम में सभी लोगों को बताया गया कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं बल्कि जल्द इसका पता लगते ही इलाज संभव है। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि कैंसर अधिकतर तंबाकू खाने से होता है। इसी के चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को संकल्प भी दिलवाया गया कि वह तंबाकू का सेवन न करें। इस कार्यक्रम का आयोजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर रखा गया था। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक बोर्ड पर भी संकल्प पत्र लिखवर भी लगवाया गया था जिस पर सभी लोगों के हस्ताक्षर कराए जा रहे थे जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जन जागृति लाई जा सके, साथ ही तंबाकू के उत्पादन से दूर रहें। वहीं कैंसर की रोकथाम के लिए इस रोग को सुपाए नहीं बल्कि इसका इलाज करवाएं। तो इसलिए क्या है कि अपन को इसको रोकना है किसी भी तरीके से। आपको क्या है कि जितने भी आप जैसे और बूढ़ी औरतें हैं जो अपन लोग घर में तंबाकू का बिल्कुल दवाई नहीं है सर, दवाई कायम से पैसे कायम से कैंसर की लिखता नहीं सर, कैंसर की दवाई बहुत नहीं आती तो सरकार का पैसे कायम चलेगा, फालतू में कैंसर में चला गया। आज 4 फरवरी है, इसको विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व कैंसर दिवस का मूल उद्देश्य यही है कि हम लोग कैंसर को पहचाने। चूँकि कैंसर का उपचार हो जाता है, अधिकांश कैंसर ऐसे हैं जिनका अगर हम सही समय पर अगर निदान कर लें, हमको पता लग जाए और सही समय पर इलाज शुरू हो जाए तो 100% मरीज ठीक हो जाता है। जैसे महिलाओं का छाती का कैंसर, महिलाओं का बच्चादानी का कैंसर, पुरुषों का मुँह का कैंसर हैं, ये सब जो है ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई जो है बीमारियां हैं। तो कैंसर के बारे में हमने लोगों को यही संदेश दिया है कि कैंसर से डरें नहीं, कैंसर से लड़ें।